इसको लेना है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट है, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सपोर्ट है, इसको अकेडमिशियन एंड पॉलिसी मेकर्स की भी सपोर्ट है। एंड सबसे जो मेन चीज थी कि इसका हाउ इट इज टू बी डन, फ्रेमवर्क कैसे होगा, वो भी बन गया एंड इट इज अवेलेबल नाउ ऑन द प्लानिंग कमीशन साइट एंड इवन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर साइट। सिंपल ये है कि उसको डिटेल्ड स्टडी किया जाए और प्रेशराइज किया जाए कंट्री को कि इसको जो जहाँ जाके रुका है वो इम्प्लीमेंटेशन पे रुका है, नॉट ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस बोथ आर स्टिल हैंडीकैप्ड, दे आर स्टिल इम्पेडिमेंट्स टू दिस एंड हमारा सबका इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए इसको पुशअप करने की। सेकेंड बात यह है कि प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, देर आर न्यूमरस प्लान्स ऑन द इन दिस कंट्री एंड न्यूमरस प्रोग्राम्स इन दिस कंट्री एंड देर इज इसके डिफरेंस का किसी को कुछ क्लियर थी नहीं, और राष्ट्रीय किसी विकास योजना और कितनियाँ योजना देखेंगे। सही मायनों में जो ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच है इसमें एक विलेज प्लान, एक ब्लॉक प्लान, एक डिस्ट्रिक्ट प्लान, स्टेट एंड कंट्री प्लान, पांच प्लान के अलावा कोई प्लान नहीं है। रेस्ट आर ऑल कार्यक्रम और प्रोग्राम्स, दे आर टू बी मर्ज्ड इनटू इन दैट एरिया एंड ए प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में भी डन एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी डन। उस पे राइट सारे का सारा राइट जो प्लानिंग का है एक्सिक्यूशन का, इट इज विद द स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, not with the no I'm sorry not with the state with the people not with the state। तो वो एक जरूरत है इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की, पढ़ने की, और फिर उसको बाद उसके लिए प्रेशर बिल्डअप करने की कि इसको इम्प्लीमेंट अप करो, रुको नहीं। हमारा ये है कि हमने पहला सूर साहब माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोकूंगा अभी। अभी हम लोग करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग एक आगे बातचीत कैसे करेंगे और हमें क्या सोचने मानसिक स्तर पे तैयारी की आवश्यकता है। मैंने शरद जी से निवेदन किया है कि उसमें थोड़ी सी बात हम लोगों को मार्गदर्शन दे और ये फैक्ट्स और सिचुएशंस पे हम लोग उसके बाद 3:30 बजे के बाद से कल तक काफी समय होगा हमारे पास चर्चा के लिए, उस पे तफसील से चर्चा है कि इसको स्टडी किया जाए जी। इट इज अवेलेबल नो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बियॉन्ड कोपेनहेगन चाहेगा कि जो हम लोग आने वाले महीनों में और वर्षों में जो काम करें हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही अनुपम प्रयास रहा है कि एक लूज कोएलिशन है जिसने अपनी लगभग 5 वर्ष की यात्रा पूरी की है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है और ख़ासतौर पर हमारे देश में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति बन रही है, बहुत सारे हम लोगों के सामने चुनौतियाँ हैं लेकिन बहुत सारे अवसर भी हैं। अगर हम बहुत सही मायने में देखें तो MDG की जो अभी तक की प्रगति है उससे हम सब लोगों को निराशा है। जो राष्ट्रीय स्तर पे नीतियाँ बन रही हैं और उनके जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो भी हमसे छुपी हुई नहीं है। ग्लोबल लेवल पे जो कमिटमेंट किए गए थे, चाहे वो क्लाइमेट नेगोशिएशन की हम बात करें या हम लोग ट्रेड नेगोशिएशन की बात करें, उसकी जो प्रगति है वो भी हमारे सामने साफ है। देश में जो सपोर्ट प्लेटफॉर्म है या जो नेशनल प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्रयास हो रहे हैं, शायद ये समय है कि अब हम सब लोगों को नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्क्स करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रयास अभी तक हुए हैं, चाहे वो वादन हथौड़ों के माध्यम से हुए हों, चाहे ग्लोबल साउथ के माध्यम से हुए हों, चाहे वानी के माध्यम से हुए हैं, ये सब अगर एक साझा मंच पर नहीं आएंगे तो प्रयासों में बहुत ज़्यादा नहीं सफलता मिलेगी। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम सब लोगों का एक मजबूती ये थी कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया, लेकिन निराशा इस बात की भी थी कि हम सब लोगों की निर्भरता जो है वो विदेशी संस्थानों पे ज़्यादा रही है, और जो गोल्डन डेज हैं वो अब जाने लगे हैं। जिस तरीके से इंटरनेशनल फंडिंग श्रिंक हुई है और जो कमिटमेंट भी किए गए हैं उसमें भी जो कमी आई है, तो अब ज़रूरी यह है कि जो हमारे पास अवसर हैं, जैसे अभी बियॉन्ड 2015 की जो प्रक्रिया चल रही है, जो SDG गोल्स बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जितना UN प्लेटफॉर्म पे हमको अगर ओपन स्पेस मिल रही है, चाहे मेजर ग्रुप होने के नाते,
चाहे ओपन वर्किंग ग्रुप होने के नाते या राष्ट्रीय स्तर पे हम इस बहस को किस तरीके के मल्टी स्टेक होल्डर तक ले जा सकते हैं, ये सारी चीजों पे बात करने की आवश्यकता है ताकि हम बियॉन्ड कोपेनहेगन एक इस प्रकार का एक साझा प्लेटफॉर्म बन सके जिसमें हम सब ये कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि हमने चाहे वो राज्य स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, या हम लोग साउथ एशिया के स्तर पे देखें या एशिया के स्तर पे देखें या ग्लोबल स्तर पे देखें, हम लोगों ने कोशिश ये की है कि बहुत सारे संगठनों के साथ साझा कार्यक्रम तैयार किए हैं, बहुत सारे संगठनों के कार्यक्रमों में हम भागीदार बने हैं, बहुत सारे संगठनों के कार्यक्रम के लिए हमने जगह बनाई है, और आवश्यकता भी इसी बात की है कि हम लोगों को शायद एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एक्नॉलेज करना होगा और उसके साथ आगे बढ़ना होगा। अभी तक जिस तरीके से एजेंडा सेटिंग हो रही है, जो जिस तरीके का हम लोगों ने अपना खासतौर पर क्लाइमेट चेंज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, इसको बहुत ही व्यापक दृष्टि से देखने की जरूरत पड़ेगी किस तरीके से ये सस्टेनेबल रह सकता है। ट्रेड नेगोशिएशन की जो अभी तक स्थिति है उसको भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं उसको भी, और अब चूंकि नया एक ग्रीन इकोनॉमिक फंड और एनवायरमेंट फंड की बात चल रही है उसमें भी जो कुछ प्रक्रिया चल रही है, तो थोड़ी सी कोशिश ये करेंगे कि हम अपने अभी तक के जो प्रयास हुए हैं उस पे एक प्रस्तुति करेंगे और चाहेंगे कि हम सब लोग मिलके अलग अलग राज्यों में क्या कर सकते हैं कोशिश करें। अगर हमको बियॉन्ड कोपेनहेगन का कोई स्वरूप बनाना है तो उस स्वरूप में किस प्रकार का स्टीयरिंग ग्रुप हो, किस प्रकार की कोई जनरल काउंसिल हो, किस प्रकार की ऑफिस बेयरर हो, किस प्रकार के हम लोग स्टेट चैप्टर बनाए, अगर हमको एशिया या साउथ एशिया लेवल पे काम करना है तो किस प्रकार का स्वरूप हो, हम अपने एजेंडा सेटिंग को किस तरीके से करें, हम किस तरीके से अपने काम की समीक्षा कर सकें, हम अपने जो कुछ सफलता असफलता है उसकी कैसे नियमित रूप से समीक्षा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हम आज 3:30 बजे से लेकर कल तक बात करना चाहेंगे और आपकी बहुत सक्रिय उसमें भागीदारी हम लोग चाहते हैं ताकि हम सब लोग मिलकर कुछ बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन पे सब लोगों का स्वागत। हम लोग कोशिश करेंगे फिर 2 बजे तक वापस आने का कोशिश करेंगे। एक निवेदन सब लोगों से कि फोन अगर स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो साइलेंट पे कर लें, और दूसरा निवेदन ये कि कमरे में कॉल कृपया ना लें, क्योंकि सब लोग अगर एक एक कॉल भी लेने लगे तो फिर हम लोग बातचीत करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। जो लोग देर से हम लोगों के साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, सो दे प्लीज इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स ब्रीफली, जो लोग हम लोगों से बाद में जुड़े हैं और जिनका इंट्रोडक्शन नहीं है। पास में एक मिनट पहले, क्योंकि मैं कल ही बांग्लादेश आया था, वहाँ भी एक्सेस साउथ एशियन ग्रुप्स का ये क्लाइमेट रिलेटेड काम का, तो ये जो फीलिंग जो अभी शरद जी ने जो बताया वहाँ भी ये बात बार बार सामने आया, जो एक पॉलिटिकल लेवल पे हम देखते हैं पाकिस्तान इंडिया, बांग्लादेश इंडिया, इंडिया नेपाल, एक कॉन्फ्लिक्ट का एक रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे दिखा जाता है, लेकिन बहुत बार सिविल सोसाइटी का इसमें एक मेजर रोल होता है, इसको कॉम्प्लीमेंटरिटी का रोल में कैसे लिया जाए, तो वहाँ भी बार बार ये जो 2 दिन वहाँ मीटिंग था ये बात सामने आया, तो उनका सर तरफ से भी ये प्रपोजल है कि हम लार्जर कैसे इस ढंग का एक कोअलिशन हो, ओपन प्लेटफॉर्म हो, कोलाबोरेशन हो बना सकते हैं, ताकि ऊपर से जो एक इन्फ्लुएंस है जो डिवाइड करने में, जिसको एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशन के स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए, तो रिस्पॉन्सेस हर साइड से मिलेगा इसमें, क्योंकि डिमांड सबके यही है। नमस्ते, मेरा नाम बलराम है। हम सरज जी से, अजय से, वी आर वर्किंग सिंस अ लॉन्ग मीन सिंस 2002 नाउ वी आर टुगेदर। हम लोग बहुत सारी देर से संगे फंदे पर काम कर रहा हूँ। आई एम वेरी वीक इन हिंदी। कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, खाद्य संप्रभुता के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में हम लोग एक आपस में सर सलाह करके इस मोमेंट को साउथ एशिया लेवल में, एशियन लेवल में, ग्लोबल लेवल में मजबूत करने में लग रहा
मेरा नाम रघुपति है, मैं भी इस काम में बहुत दिन से आप लोगों के साथ, विजय प्रताप जी के साथ, सरद जोशी के साथ, अजय झा के साथ लगा हुआ हूँ बिहार का। नमस्कार, मेरा नाम युवराज बासकोटा, आई यूज टू लिव इन दिल्ली लास्ट टाइम। आप मेरे रेस्पेक्टेड ब्रदर हैं, मैं यहाँ था, आप आ रहे थे, उनके साथ में आया, ये अवसर मेरे लिए पैदा हुआ है। आई बिलोंग टू नेपाल। It's related with UML party and is the member of foreign affairs of UML and is here and he looks over Southeast. नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हमारे संगठन का नाम कृषक बिरादरी है और हम लोगों ने स्टेट एक्शन प्लान छत्तीसगढ़ का जो हुआ था वो बिना कंसल्टेशन के हो गया था, उसमें हम लोगों ने काफी आवाज वगैरह उठाई। फिर एक नया कंसल्टेशन शुरू हुआ जिसमें जोशी जी, अजय भाई, समय दादा सब लोग आए थे। फाइनली ये हुआ कि किसानों के उस कंसल्टेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने अपना वो एक्शन प्लान वापस लेके एक नई कमेटी बनाई है जिसमें कृषक बिरादरी को रखा है और उसकी मीटिंग्स चल रही है। अभी 27 फरवरी को सेकेंड मीटिंग होने वाली है जिसके बारे में अभी भी सूचना मिली है। थैंक यू। सब लोगों का स्वागत है, आइए भोजन करते हैं, फिर हम लोग बातचीत जारी रखेंगे। अगले सेशन में हम लोगों के साथ बात करने के लिए डॉक्टर डी रघुनंदन होंगे दिल्ली साइंस फोरम से। वो बात करेंगे इमेजिनिंग कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज पोजीशन इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस। टेरी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है एक आदमी, या तो मनीष आएंगे या नेहा आएंगी, वो ब्रिंगिंग बैक इक्विटी इन द UNFCCC ऑन द रोड टू पेरिस, इंडियाज रोल एंड प्रिपेयर्डनेस, इसमें अपनी बात करेंगे। श्रीधर जी हैं एनवायरनिक्स ट्रस्ट से और आइनिक इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स एंड क्लाइमेट चेंज, वो अपनी बात रखेंगे। स्ट्रेंथनिंग पीपल्स वॉइसेस एंड इन क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज एंड रिस्पॉन्स। और पूजा पार्वती बात करेंगी वादना तोड़ो अभियान से हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द UN एवेन्यूज फॉर सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से अनु जोगेश हम लोगों के बीच आएंगी, वो बात करेंगे रेजिंग एम्बिशन इन सब नेशनल पॉलिसीज, रोल ऑफ CSOs। और सौम्या जी बात करेंगे एनर्जी पॉवर्टी एंड प्रैक्टिकल एनर्जी चॉइसेस में। तो हम लोग ये कोशिश करें कि 2 बजे तक हम लोग भोजन करके सब लोग वापस यहाँ पे आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।